सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता। आज आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से चाशनी वाली गुजिया। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। दानेदार शक्कर, मैदा, खोया। खोया की रेसिपी आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं। इस खोया की हमने हल्का सा थोड़ा देखिए हल्का सा भून लिया है ताकि इसमें महक बहुत अच्छी आए। पीसी चीनी, देसी घी, गरी का बुरादा, चिरौंजी, इलायची के दाने, साफ पानी। आइए सबसे पहले हम मैदा गूंद लेते हैं। देखिए एक बड़े डोंगे में 150 ग्राम मैदा है। डाल लेते हैं। डेढ़ चम्मच में घी डाला है तो हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। रगड़ रगड़ के पूरे मैदे में मिला लेंगे इसको। ये देखिए हाथ से हम इसे रगड़ दे रहे हैं। ये देखिए अच्छा सा मून तैयार हो जाना चाहिए। ये देखिए ये देखिए इस तरह रगड़ रहे हैं। इसी तरह आप भी रगड़ रगड़ के करिएगा। ये देखिए पहचान आपको दिखाते हैं। देखिए हम इसे उठा भी, देखिए लड्डू बनाया। ज़्यादा कसा लड्डू नहीं बनना चाहिए। देखिए हल्का, देखिए ज़्यादा हमने मोया नहीं डाला हुआ है। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुजिया के लिए अच्छा सा हम डो तैयार कर लेते हैं। बहुत सख्त डो नहीं तैयार करना है। ये देखिए आटा मेरा रेडी हो गया है गुजिया के लिए। इतना सॉफ्ट और मुलायम देखिए आटा तैयार हुआ है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। तब तक हम तैयार कर लेते हैं गुजिया में बनने वाला मसाला। एक डोंगे में खोया निकाल लेते हैं। शक्कर डाल देंगे, शक्कर थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि चाशनी में डूबेगी गुजिया भी। चिरौंजी, गरी का बुरादा, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इलायची के दाने, इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। इसको भी हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम गुजिया बेलने की तैयारी करेंगे। आई गुजिया के लिए डो देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डो तैयार हुआ है। इसको हाथ से इस तरह मसल लेंगे।
अच्छी सी लोई काट के चिकनी चिकनी बिल्कुल, देखिए देखिए इस तरह दबा दबा के अच्छा सा देखिए पेड़ा तैयार कर लिया है। इसी तरह सारी लोइयां बना लेंगे। देखिए हम बेल के दिखाते हैं। बहुत पतली में नहीं बेलनी है पूरी इसकी। इस तरह दबा दबा के घुमा घुमा के चारों तरफ से एकदम बराबर साइज में बेलना है, यानी कहीं मोटा हो या पतला हो ऐसा नहीं करना है। दूसरी इस तरह बेल लेते हैं। ये देखिए हम घुमा के बेल रहे हैं, इसी तरह आप बेलिएगा। ये देखिए आइए हम भर के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे इस तरह ले लिया, चम्मच की सहायता से रख दिया वहां पे। इस तरह इसे अंदर को हल्का सा गहरी किया हमने, हम पानी लेके चारों तरफ इसको हम लगा देंगे। ये लगा देने से गुजिया खुलती नहीं है अच्छे से। देखिए देखिए उंगली हमने ऊपर रखी है और ये उंगली और अंगूठे की सहायता से देखिए हम दबाते जा रहे हैं। इस तरह देखिए बाकायदा अच्छे से पकड़ते जाइए और आगे उंगली से इस तरह और पीछे ये जैसे दबा देंगे चारों तरफ से। ये देखिए इसको दोबारा हम रिपीट कर देते हैं ताकि अच्छे से दब जाए। एक बार फिर इस तरह कर देंगे, कहीं से भी खुला ना रहे। उसके बाद हम हाथ में इस तरह पकड़ेंगे और एक उंगली नीचे अंगूठा ऊपर, देखिए इस तरह हमने दबाया, इस तरह मोड़ दिया अंदर को, फिर आगे को हमने जरा सा खींचा और अंदर को देखिए दबा दिया। इस तरह हम ये देखिए इसी तरह हम दबाते हुए गुजिए को अच्छे से ये देखिए घोड़ देते हैं। इसे पकड़ लीजिए हाथ में और इस तरह बनाते जाइए अंदर को। ये देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बनती चली जा रही है। ये देखिए अंदर को जब दबाइए आप थोड़ा कस के दबा दीजिए ताकि खुले नहीं। ये देखिए हल्का सा आटा हमने खींचा, अंदर को दबा दिया, फिर देखिए खींचा, फिर अंदर को दबा दिया। इसी तरह हम दबाते चले जाएंगे। ये देखिए ये अच्छी गुजिया उठ गई है। हम दूसरी दिखाते हैं आपको। देखिए हमने हाथ में पूरी रख ली, इस तरह हमने बीचों बीच में एक खोया रख दिया। उंगली में पानी लिया, चारों तरफ से लगा देते हैं। देखिए इस तरह लग गया चारों तरफ से। इसको हम पकड़ेंगे और बीच में करके इस तरह हम दबा देंगे। ये देखिए इसको आराम से इस तरह दबाते जाइए। ये देखिए बराबर एकदम देख करके देखिए इस तरह दबा दिया। इसको दोबारा फिर कर देते हैं इसी तरह ताकि हम जब तले तो ये खुले नहीं। फिर हमने दोबारा कर दिया, सारे सब्जी किनारे सारे बंद हो गए हैं। अब हम इसको डिजाइन देते हैं। देखिए इस तरह
हाथ में रखते हैं बीच में आटा, तो इसे दबा देते हैं, ये इसे अंदर को भरते जाइए, आगे हल्का सा खींचिए, अंदर को दबा दीजिए। ये देखिए मुझे यहाँ से चलाते जाइए, इस तरह देखिए उंगली देखिए मेरी चल रही नीचे की। ये देखिए, ये देखिए ये अच्छी डिजाइन बन गई है। इसी तरह हम सारी गुजिया बेल के भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी गुजिया भर के अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको हम सूती कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। तब तक हम चाशनी बना लेंगे, और चाशनी इसलिए पहले बना रहे हैं ताकि चाशनी को थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है, उसके बाद हम गुजिया तलेंगे। देखिए एक पैन में 200 ग्राम दानेदार शक्कर डाल देते हैं। एक कटोरे से थोड़ा सा कम पानी में डाला है। जब तक ये शक्कर घुल नहीं जाती है तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए गुजिया के लिए चाशनी देखिए कितनी अच्छी तैयार हो गई है। हम आपको छू के दिखाते हैं। देखिए हमने उंगली से टच किया तो ये देखिए आपस में देखिए चिपक रही उंगलियां। ये देखिए तार नहीं बनेगी मगर अच्छे से देखिए चिपक रही है। समझ जाइए चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और गुजिया तलने की तैयारी करते हैं। आइए घी चेक कर लेते हैं गर्म हुआ कि नहीं। थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। ये देखिए आटा देखिए ऊपर आ गया, इससे पता चल जाता है कि गुजिया तलने के लिए घी तैयार हो गया है। थोड़ा सा गैस हम धीम कर देंगे क्योंकि बहुत तेज आंच में गुजिया नहीं तलना है। धीरे से डाल देते हैं इसमें। और धीमी आंच में इसको तलेंगे ताकि अच्छे से कुरकुरी थोड़ा सीख जाए। ये देखिए अच्छे से गुजिया देखिए फूल गई है। इसको हम धीरे से पलट देते हैं। इसको धीमी धीमी आंच में हम तलेंगे ताकि अच्छे से कुरकुरी एकदम बने। तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि धीमी आंच में सीखती है। इसे हल्का हल्का इसको घुमा देंगे बीच बीच में, इसको धीमी धीमी आंच में सीखने देंगे इस तरह। ये देखिए ये दोनों गुजिया मेरी अच्छी से सीख गई है। इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ी सी कच्ची ये भी है, इसको दोबारा हम फिर से तलेंगे ताकि अच्छे से एकदम क्रिस्पी तैयार हो। पलट देते हैं धीरे से, थोड़ी देर इसको हम सेक लेते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए कलछी हल्की टेढ़ी कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना घी है गुजिए में वो सब बाहर निकल जाए कढ़ाई के अंदर ही। ये देखिए, ये देखिए मैंने कलछी टेढ़ी कर दी, जितना भी घी है सारा देखिए घी कढ़ाई में निकल गया। देखिए जो पहले मैंने सेक के रखी थी हाथ से छू के दिखाते हैं, देखिए ठंडा हो गया है। इसको हम दोबारा तल लेते हैं। देखिए दोबारा तल लेने से बढ़िया कुरकुरी बिल्कुल बनेगी। ये देखिए को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम तलेंगे। देखिए जो पहले मैंने गुजिया तली थी वो धीमी धीमी आंच में तली थी, और जो दोबारा हम तल रहे हैं वो आंच हमने तेज कर दी है। ये देखिए पलट पलट के अच्छे से बिल्कुल गोल्डन में इसको तल लेना है। ये देखिए इस तरह हम पलट दे रहे हैं सारी गुजिया। अब इसको तलने के बाद हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए हम तल पलट दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको
निकालने के बाद हल्की गुनगुनी चाशनी में इसको हम डालेंगे। देखिए चाशनी मेरी हल्की गुनगुनी है और गुजिया एकदम गर्म है। धीरे से चाशनी में गुजिया डाल देते हैं और इसको हम पलट देते हैं इस तरह। इस तरह इसे पलट देंगे और 5 मिनट के इस तरह डूबी रहने देंगे। उसके बाद इसी चलनी में इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए एक प्लेट पे हमने ये जाली रखा हुआ है, ये देखिए इसी पे हम गुजिया निकालेंगे। ये देखिए इस तरह निकाल लेते हैं। ये देखिए ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें चाशनी होती है जाली के सहारे प्लेट में गिर जाए। इसी तरह हम दूसरी गुजिया भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए सारी गुजिया हमने चाशनी से निकाल ली है और देखने में देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है। अब आइए कर लेते हैं इसकी अच्छी सी प्लेटिंग। ये लीजिए स्वादिष्ट चाशनी में डूबी हुई गुजिया तैयार है। जैसे आप हलवाई के यहाँ से लाके खाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह आप भी अपने घर में जरूर बनाइएगा और टेस्ट करिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि चाशनी वाली गुजिया आपको कैसी लगी ताकि हम फिर आपसे मिले एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।